ये है इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में स्थित इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी नॉर्थ इंडिया में उभरती हुई यूनिवर्सिटी बनती जा रही है। आज बातें यूपी की टीम इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच पहुंची है, कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करने जिस पर बात करने से युवा अक्सर कतराते हैं। पॉलिटिक्स इस देश का वो नाला है जिसमें उतरकर समाज की गंदगी साफ की जाती है। मुझे लगता है कि लीडर वो होता है जो सबको गाइड कर सके, जो मोटिवेट कर सके। सोशल मीडिया इज नाउ अ की फैक्टर इन करंट डे पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जिसका नाम सुनते ही आजकल के युवा अपना एक कदम पीछे ले लेते हैं, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? आज का युवा पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचता है और सोशल मीडिया इसमें कितना रोल प्ले करता है? आज इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी बरेली के स्टूडेंट से बातचीत करने वाले हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, अगर आप देश के लीडर होते तो आप देश के विकास के लिए ऐसा कौन सा काम करते जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता लीडर्स के, मतलब लीडर होने के नाते? सबसे पहले तो मैं मतलब जो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको मतलब एक तरीके से बराबर करने की कोशिश करता हूँ, और फिर उसके बाद फिर उन दोनों की जब इक्वलिटी हो जाती फिर दोनों को एक से राइट्स प्रोवाइड करवाता और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता जिससे और विकास हो पाता हमारे देश। वोट देते हैं? यस मैम। अच्छा, इस बार आपने वोट दिया था? यस मैम दिया। क्या खूबी देखी थी आपने अपने लीडर में? मैम मैंने ये सोच के दिया था कि जैसे कि जो डिस्क्रिमिनेट और करप्शन हो रहा है वो नहीं हुआ करा। आपसे जानना चाहूँ तो आप अपने देश का लीडर किस तरह से देखना चाहती हैं, क्या खूबियाँ होनी चाहिए उसके अंदर? आई एम अदिति आर्य फ्रॉम बीकॉम ऑनर्स, एंड मुझे लगता है कि लीडर वो होता है जो सबको गाइड कर सके, जो मोटिवेट कर सके। तो उस हिसाब से करप्शन फ्री होना चाहिए और ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए कि हम सबको रूल कर सके ताकि वो एक अच्छी सी कंट्री प्रोवाइड करें। आजकल के जो हमारे लीडर्स हैं उनको लेके आपकी क्या राय है? एज आई एम नॉट इन टू मच इन टू पॉलिटिक्स सो आई विल नॉट गिव। आपके अकॉर्डिंग सोशल मीडिया कितना अहम रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में? सोशल मीडिया बहुत अहम रोल प्ले करता है क्योंकि सोशल मीडिया से जो हमने जिस किसान का नारा हुआ है वो ट्वीट करके ही लोगों में, सब लोगों में फैलता है, और न्यूज़ तो आजकल कुछ भी दिखाता है। कुछ और छात्रों से बातचीत करते हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि सोशल मीडिया आज के समय में पॉलिटिक्स में कितना अहम रोल प्ले करता है? वेल, मेरे ओपिनियन में सोशल मीडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आजकल के पॉलिटिक्स में, बिकॉज इट कैन मेक यू और ब्रेक यू। एडवर्टाइजमेंट आजकल टीवी से ज़्यादा सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो गई है, क्योंकि जो फैंस या आपके फॉलोअर्स होते हैं जो कि पब्लिक में नहीं आते या बोलते, वो अपना ओपिनियन सोशल मीडिया के ऊपर ही पोस्ट करते हैं। इससे पार्टी को बूस्ट मिलता है, एक ओपिनियन फॉर्म होता है कि इस स्टेट में किसकी हवा चल रही होगी, और जैसा कि हम लोग देख भी सकते हैं कौन सी हवाएँ अभी बह रही हैं, यू नो, अपोजिशन और सेंट्रल स्टेट कौन जीतेगा। सो आई थिंक सोशल मीडिया इज नाउ अ की फैक्टर इन करंट डे पॉलिटिक्स। अगर आप लीडर होते इस देश के तो देश के विकास के लिए आप ऐसा क्या करते जो आपके लिए ही नहीं बल्कि युवाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता? मैम, इस चीज़ का आंसर मैं बेसिकली 3 पॉइंट्स में देना चाहूँगा। सबसे पहला तो मैम, मैं जापान की तरह ह्यूमन रिसोर्सेज में मतलब इन्वेस्ट करना मतलब कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़ मैम, कैश फ्लो को मैनेज करना इकोनॉमी में। और तीसरी चीज़ मैम, जो आजकल की मिनिस्ट्रीज़ दी जा रही हैं जो कि हम बेसिकली देखते हैं, तो मैम जो पर्सन बेसिकली उस फील्ड से है, एज इफ कि मैम अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करूँ तो बेसिकली डिफेंस के लिए पर्सन जो है वो या तो रिटायर्ड आर्मी पर्सन हो, ऐसे मैम हेल्थ केयर की बात करूँ तो मैं पर्सन मैम डॉक्टर होना चाहिए। आप अपने लीडर को किस तरह से देखना चाहते हैं? फॉर मी मैम, लीडर का डेफिनेशन वही है जिसके पास एक विजन हो, एक यू नो रोड मैप हो, और जो तैयार हो अपने साथ अपने फॉलोअर्स को, उनकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अपने साथ लेकर के चल सके। सो अ पर्सन विद अ विजन जो सिर्फ अमीरों के लिए ही नहीं बल्कि समाज के जो गरीब कुचले तबके हैं, जो लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, जो पीछे रह चुके हैं, उनको अपने साथ आगे लेकर के जाए अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू, और समाज में जो एक डिवाइड है, गैप है, अमीरी गरीबी का, ऊंच नीच का, इन सारी चीज़ों के गैप को फिलअप करे और एक इक्विलिब्रियम क्रिएट करे सोसाइटी में। फॉर मी दैट्स अ लीडर। आप वोट देते हैं? नो मैम। नहीं देते? 18 ईयर्स के हो गए? अच्छा, तो आप आने वाले दिनों में एलिजिबल हैं वोट देने के लिए। क्या खूबियां देखेंगी आप अपने लीडर में जिनको आप वोट करेंगे? मैं मायसेल्फ सानिया, एंड आई वुड लाइक माय लीडर टू बी एन ओपन माइंडेड पर्सन, एंड ही बिलीव्स इन होलिस्टिक डेवलपमेंट, एंड ही वुड टेक ईच एंड एवरी
person of his society, whether it be youngsters, teenagers or old ages, वो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट को व्यू को लेके आगे चले, वो हर एक चीज़ को मैनेज करे। आप एक लड़की हैं, अगर आप लीडर होती तो लड़कियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐसा कदम उठाती जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता लड़कियों के लिए? मैम, जैसे हम जानते हैं कि इंडिया एक, जैसे हमारे में रेप होता है, ठीक है, तो इंडिया एक ऐसा है कि बहुत टाइम बाद जाके उसे इंसाफ मिलता है। जैसे हम चाइना को ले लेते हैं, वहाँ पे अगर रेप होता है तो सीधा उस इंसान को जो कल्प्रेट होता है उसे सीधा फांसी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ ऐसा होता है, पर हमारा इंडिया ही एक ऐसा चीज़ है, सॉरी देश है, जो बहुत देर में डिसीजन लेता है। पहले तो स्ट्राइक्स होती हैं, उसके बाद जाके फैमिली प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई सोसाइटी के डर से नहीं लेता है। पर ऐसा कुछ होना चाहिए, इंडिया में ऐसा कानून होना चाहिए जो उसे स्ट्रॉन्ग करे, लड़कियों को इतनी पावर मिले कि हाँ मैं ऐसा कर सकती हूँ, और वो अपने लिए स्टैंड ले, और जो ऐसा कोई लॉ बनाए जो उस कल्प्रेट को पनिश करे। पॉलिटिक्स को लेके आपकी क्या राय है? आज की पॉलिटिक्स को देख के आप क्या सोचती हैं पॉलिटिक्स को लेके? मैम, पॉलिटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिससे मतलब एक कंट्री चलता है, लेकिन कई बार हम ऐसी चीज़ें देखते हैं पॉलिटिक्स में जो कि कंट्री को चलाता ही नहीं है, ख़राब भी करता है। उसमें सिर्फ पूरे पॉलिटिक्स को दोष देना सही नहीं होगा, उसमें जिस तरीके के लोग हैं, जैसे नेता हैं उसमें, जैसे लीडर्स हैं उस कंट्री में, उस कंट्री की जैसे पूरी सोच चलती आ रही है, चाहे हम इंडिया को ले, वहाँ पैट्रियार्की चलती आ रही है, तो हम देखेंगे कि वहाँ नेता मैन ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो अगर हम पूरी इस चीज़ को देखें तो पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया को चलाता है, कि लीड करता है, या हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही ही हो, वो कई बार गलत भी हो सकता है। आने वाले दिनों में आप अपने लीडर को किस तरह से देखनी चाहती हैं? मैम, लीडर ऐसा होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले। ऐसा यहाँ पे कई बार होता है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो ज़्यादा अमीर होते हैं उनका विकास होता चला जाता है, लेकिन जो गरीब होते हैं वो पीछे ही छूट जाते हैं। तो जो लीडर आए वो ऐसे आए कि वो सबको साथ लेके चले, ना कि किसी एक, जो हमारा क्या कहते हैं मीडियम है सोसाइटी का, जो एक पार्ट है वही आगे बढ़ता रहे और पीछे पीछे छूटते रहे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ प्रियांशी शर्मा। प्रियांशी, पॉलिटिक्स को लेके क्या सोचते हो आप? मैम, आई थिंक पॉलिटिक्स एक बहुत ही पावरफुल येट वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट है, जहाँ पे हम अपनी जो भी हमें पावर्स गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एज ए पॉलिटिशियन, अगर हम पॉलिटिक्स करियर में होते हैं तो उससे हम बहुत कुछ अच्छा भी कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जैसे कि इंडिया हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, सो कोई भी डेमोक्रेटिक वहाँ पे कंट्री जो होती है उसकी डेफिनेशन यही कि जनता का जनता के द्वारा शासन। तो जो भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी कुछ अच्छा करते हैं। तो करेंट टाइम में मैं यही कहूँगी कि जो इंडिया की पॉलिटिक्स है वो काफ़ी रिवॉल्यूशन आ रहा है उसमें, और मोस्टली जो पॉलिटिक्स है तो उसमें एजुकेशन जो है वो किसी भी कंट्री का एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक है। तो आई थिंक अगर किसी भी कंट्री के लिए अगर वहाँ पे एजुकेशन अटमोस्ट प्रायोरिटी है अगर पॉलिटिकल सेक्टर में, तो वो नेशन, वो कंट्री काफ़ी ग्रो करेगी इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब सीधी लाइन में अगर कहें तो एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। या बिकॉज मैम, एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो देश को आगे बढ़ा सकती है सारे सेक्टर में, चाहे वो कोई से सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन से लेके हो, चाहे डेवलपमेंट से लेके हो, चाहे सिविल से हो, चाहे इससे हो। वो तो पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, कैसे राजनीति करनी है, सब कुछ करना है, पर मैम एक आदमी के अच्छे होने से पूरा देश सही नहीं हो सकता, क्योंकि जो उनके MLAs हैं, सांसद हैं, तो सभी मतलब करप्ट तो सभी होते ही हैं, पॉलिटिक्स होती ही, इसलिए करप्ट नहीं होंगे तो पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर कहें कि उस जगह पर पहुँच के लोग करप्ट हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर लालच आने लगता है। देश को जो सोचते हैं, वो जो हमें समझाते हैं कि हम देश के फायदे के लिए करेंगे, लेकिन वहाँ जाके वो सिर्फ अपना फायदा देखने लगते हैं, लोगों से उन्हें कोई मतलब नहीं होने लगता है, अपना फायदा देखने लगता है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि आने वाले दिनों में अगर आप उस जगह पहुँचते हैं तो आप ऐसा कौन सा काम करेंगे जो इस इमेज को बदलेगा कि वहाँ पहुँच कर लोग करप्ट नहीं होंगे? जैसे कि मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देश को बढ़ाने के लिए मेन चीज़ जो एजुकेशन है वो बहुत ही स्तर पर नीचे से ले जाके ऊपर ले जा सकते हैं। एजुकेशन मेन चीज़ होनी चाहिए और लोगों का भला होना चाहिए। आप किस नज़रिए से देखते हैं पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में तो सबसे पहले शिक्षा को लेकर जो मैम विवाद चल रहा है, ये मैम सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे इंडिया के भी कई स्टेट ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन है, जैसे मैम केरला में शिक्षा दर सबसे अधिक है, और हमारे यहाँ कम क्यों है? मैम, यहाँ के जो MLA सांसद जो कोई भी हैं, ये सिर्फ शिक्षा को छोड़ के बाद में हर एक चीज़ों पर गंगा सफाई अभियान और तरह तरह के अभियानों में मैम अपनी रुचि बढ़ाते हैं। इतने सारे लोगों ने अपनी अपनी राय दी कि अगर वो लीडर होते तो ये करते, यहाँ पे रह के बोलना और वहाँ तक जाके काम करना,
कितना डिफरेंस होता है, जैसे कि गॉड टू सी ग्रेट, सबने मूवी देखी होगी, उसको भगवान बनाया जाता है, तो कितनी डिफ़िकल्टीज होती हैं उनको चलाने में, फिर भगवान उनको बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, तो आप इस पर क्या सोचते हैं कि यहाँ रहकर बोलना ज़्यादा ईजी है, वहाँ पहुँच के काम करना टफ है? जी मैम, बेशक टफ है। हम कहने को तो हम अपनी राय हर जगह दे सकते हैं। हम जैसे क्रिकेट में बैठे हैं, जो खेल रहा है सामने फेस कर रहा है उसको पता है ना उसकी डिफ़िकल्टी क्या हो रही है। यहाँ तो हम कहते हैं अरे ये नहीं किया वो नहीं किया, कि एक फेज़ है, एक पर्टिकुलर सेटअप किया जाता है कि हम कैसे क्या करेंगे। अब जैसे हमारे सबसे वीकनेस यही है कि पार्लियामेंट में मतलब हर बिल जो मतलब कि नहीं है उन पर बहस और सब कुछ जाएगी। जैसे अभी हमारा एजुकेशन पॉलिसी का बिल आया है, वो पास हुआ है, बट उसे इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं अभी बताया गया 2025 तक होगी। कि ऐसी चीज़ें जो हमारे स्तर पे ज़रूरत में हैं उनको डिले करा जा रहा है, बाकी जो ऐसे मतलब हैं उन पर नहीं, जिनमें फोकस करना चाहिए वो नहीं होती। बाकी हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट मतलब एक अच्छी डेजिग्नेशन पोस्ट पर बैठ के वो हमने कह दिया कि हम ये बिल पास ये वो बात, क्योंकि इस पर मुठभेड़ तो होगी, बिना उसके हो नहीं सकता। बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत ही टफ है, क्योंकि यहाँ से राय देना और वहाँ बैठ के राय देने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम देश चला रहे हैं, यहाँ तो हम एक राय दे रहे हैं, वहाँ आप देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये नहीं कर सकते कि मेरा मन ये है वो है, वो कर सकते हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद पॉलिटिक्स में युवाओं का इंटरेस्ट क्या कम हो गया है? नहीं मैम, पहले से बड़ा है, क्योंकि जो युवाओं को चाहिए एक फेम, एक नेम, वो सोशल मीडिया के जरिए बल्कि उनको और ज़्यादा बढ़ रहा है, मिल रहा है, नए नए पेजेस बन रहे हैं, नए नए ग्रुप्स बन रहे हैं, नई नई पॉलिटिक पार्टीज़ बन रही हैं ग्राउंड लेवल पे, जो पब्लिक प्रायोरिटीज़ पे काम करती हैं, जो पब्लिक प्रायोरिटीज़ जानती हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि मैम जो ऊपर बैठा है वो हर किसी की नहीं सुन सकता है, वो हर किसी के बारे में नहीं जान सकता है, बल्कि जो ग्राउंड लेवल पे है वो हर किसी के बारे में जान सकता है, सुन सकता है कि वो क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या नीड्स हैं। आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स में अपना करियर कौन कौन बनाना चाहता है, मतलब उम्मीद की जा सकती है कि देश आगे विकास करेगा? बहुत बढ़िया। आज बरेली के इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी के छात्रों से हमने बातचीत की, पॉलिटिक्स को लेकर उनकी क्या राय है, युवाओं ने खुलकर हमसे बातचीत की। आपकी पॉलिटिक्स पर क्या राय है हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।